आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट वीवो Y35 2022 मॉडल के बारे में, इसकी कंप्लीट रिलीज डेट, प्राइस, पाकिस्तान एंड इंडिया बताऊंगा, और यहाँ पर कहाँ पर लॉन्च हो रहा है, कहाँ से चीज निकल कर आई है, कहाँ से सोर्स से खबरें आई, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वॉच करनी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मोबाइल के लुक की। तो ये लुक है आपने थंबनेल में भी देख लिया यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर इसी किस्म का लुक आया यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो दूसरा मोबाइल है ना वीवो का, तो इसको छोड़ते हैं। ये वाला मोबाइल है हमारा Y35 2022 मॉडल, ठीक है ना। तो अभी बात कर लेते हैं, देखें कहाँ पर रिलीज हुआ है ये, जहाँ पर ही मैंने आपको इसका ऑफिशियल दिखाता हूँ मैं यहाँ पर आपको, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर वीवो Y35 तो अभी यहाँ पर मलेशिया में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी लॉन्च हो जाएगा मेरे, हाँ 11 को, 11 अगस्त को लॉन्च हो रहा है ये मलेशिया में, ठीक है ना। तो वहाँ से इसके लीक एंड रूमर्स कुछ निकल कर आए थे, तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन भी निकल कर आई थी। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ है, मैं स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ आपको चंद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कुछ रिलीज डेट की, देन मैं बाद में स्पेसिफिकेशन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो रिलीज डेट की बात कर लें, कब रिलीज हो रहा है पाकिस्तान में, देखिए मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर के टाइम से पहले रिलीज होगा पाकिस्तान में, ठीक है। और क्या प्राइस आएगी, पाकिस्तान बाहर की करेंसी कन्वर्ट किया है तो जाहिर बात है तो डॉलर बढ़ा तो फिर प्राइस भी बढ़ जाएगी। फिलहाल तो ये कुछ 36,000 के करीब पाकिस्तान में प्राइस आ रही है, हो भी सकता है बढ़ जाए आने वाले टाइम में, ठीक है। इंडिया की रिलीज डेट की बात कर लेते हैं, इंडिया में कब रिलीज हो रहा है। एक वेबसाइट का क्लेम करना है कि अक्टूबर टाइम में रिलीज हो रहा है इंडिया में, लेसी के अक्टूबर में रिलीज हो रहा है, कब रिलीज हो रहा है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर सितंबर में रिलीज हो जाएगा इंडिया में भी, ठीक है ना, देर नहीं करेंगे वीवो वाले, ओके। और प्राइस आ रही है इंडिया में कोई 13,000 के करीब, 12,000 12,500 के करीब, यहाँ पर देख सकते हैं 12,490 रुपीज इंडियन प्राइस, ठीक है ना। और यहाँ पर बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन क्या बात आ रही है, देखें वीवो Y25 4G ये मोबाइल का नाम होएगा, और यहाँ पर देखें स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर है, जो कि हाँ ठीक है प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के हिसाब से, 40,000 की रेंज में आता है तो ठीक है प्राइस रेंज के हिसाब से, ठीक है। 8 GB रैम, 256 GB बेस वेरियंट की स्टोरेज, और आउट ऑफ द बॉक्स क्या देखने को मिलेगा, फन टच OS 12 और बेस ऑन Android 12, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें मजीद स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफिशियल इमेजेस तो मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर ट्रिपल कैमरा बैक पर सेटअप हमें देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2-2 मेगापिक्सल के ये दूसरे दो सेंसर लगाए के जाएंगे उसमें। और क्या है इसके अंदर, 5000 mAh बैटरी, 44 वोट की फास्ट चार्जिंग एंड 80 वोट, अच्छा तो यहाँ पर हाँ 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, एंड द वेट ऑफ दिस मोबाइल इज 188 ग्राम्स, एंड देखिए हाँ 11 अगस्त को लॉन्च हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मलेशिया में लॉन्च हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, और बस यही है। अभी पाकिस्तान और इंडिया में जब भी जैसे कुछ कंफर्म होता है कब रिलीज हो रहा है तो मैं वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मजीद अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और एंड सके में मेरा चैनल तो आ चुका है, आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें।